अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है। तो व्यूवर, आज की वीडियो के अंदर हम आपको कोई एडिटिंग नहीं सिखाने वाले। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी ब्लैक लेवल PNG कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह के ब्लैक लेवल PNG डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी ब्राउज़र, आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं, क्रोम को यूज़ कर सकते हैं या कोई और ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद यहाँ से लिखना है ब्लैक लेवल, या स्ट्रोक ब्रश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्लैक लेवल ही सर्च कर लेते हैं, ब्लैक लेवल PNG लिख लें। स्ट्रोक भी लिख सकते हैं, अगर आप ये लिखेंगे ये भी आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल आपने करना क्या है, तो यहाँ से आपने ब्रश स्ट्रोक PNG के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप ये लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, तो इसको आप सर्च कर लें तो आपके सामने ये इस तरह से ये आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं। तो जहाँ से ये मेरी एक वीडियो आ रही है, आप जहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये वीडियो देख कर जहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ से जेप फाइल भी मिल जाती है। कि जैसा कि हम जहाँ से डाउनलोड करना सिखाएंगे, तो सिंपल आपने करना क्या है, जहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो सिंपल आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ऐसे प्रेस करना है और डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, बैकग्राउंड इसका रिमूव नहीं है। वो भी आपको करना बताऊंगा कि आप उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो जहाँ से हम एक और को ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं प्रेस कर, तो सिंपल ये हमने दो कर लिए, एक दो और आपको चेक करवा देते हैं। जैसा कि इसका बैकग्राउंड रिमूव भी है, तो आधा सा रिमूव है तो आधा नहीं। जैसे कि ये रेड वाले को हम ले लेते हैं, तो सिंपल इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपके सामने मैंने तीन डाउनलोड कर लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के जहाँ से मुख्तलिफ किस्म के डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जहाँ से मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपने करना क्या है, बैक आ जाना है अपनी गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आएंगे तो जहाँ से आपने जो हमारी जैसा के वो वाले PNG नहीं है, ये डाउनलोड के अंदर ले जाता हूँ, ये PNG नहीं है, इसका बैकग्राउंड है। तो इसका बैकग्राउंड आपने रिमूव कैसे करना है वो भी आपको बताऊँगा। तो सिंपल आपने सर्च बार में आना है, जहाँ से लिखना है RE रिमूव BG। तो रिमूव BG के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपलोड इमेज के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने अपनी इमेज ऐसे अपलोड कर देनी है। तो आप अपनी सभी ये अपलोड कर सकते हैं। तो अगर जो से मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आपको वो एक zip फाइल मैं बना दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपल आप वहाँ से आकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे सामने इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाला डाउनलोड हो जाएगा, और रेड वाले पे क्लिक करेंगे तो रेड वाला भी हमारी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद हम आपको किसी भी ऐप के अंदर ले जाते हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर ले जाते हैं, तो आपको चेक भी करवाते हैं। यहाँ से हम इन शूट को ओपन कर लेते हैं, या वीडियो के ऑप्शन पर आते हैं, न्यू के ऑप्शन पर आके गैलरी में से कोई भी वीडियो ले लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ से एक ऑलमोस्ट कोई भी वीडियो ले लेते हैं, जिसके अंदर हम आपको चेक करवा देते हैं कि ये वाकई इसके रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए। तो सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपल हमारी वीडियो कुछ इस तरह से आ गई है। तो सिंपल आपने अब करना क्या है, तो सिंपल आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, या फोटोज़ के अंदर आना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये रिमूव हो चुका है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लेवल का आप कोई पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पहले वाला भी चेक करवाता हूँ जो विदाउट बैकग्राउंड है। जैसा कि ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। तो सिंपल जो सा बैकग्राउंड रिमूव है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने ब्लैक वाले डाउनलोड किए उसको भी हम यहाँ से रिप्लेस कर चेक करवा देते हैं। जैसा कि ये आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड वगैरह आपका शो नहीं हो रहा, जैसा कि देख सकते हैं।
तो ये इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दूसरे वाला रिप्लेस कर कर चेक करवा देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आ रहा है, वाइट की शेडो आ रही है। अगर आपको भी वाइट की शेडो वगैरह आए तो सिंपल आपने करना क्या है, जब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है तो यहाँ से स्क्रीन कर लेना है इसको थोड़ा सा ऐसे। जहाँ से आपने मल्टी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। अगर आपने वहाँ से नहीं करने कि आपने इसको बैकग्राउंड इसका रिमूव वहाँ से नहीं करना, तो सिंपल आपने रिप्लेस के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से हमने वही बैकग्राउंड ले लेना है जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। जैसे कि हम जहाँ से वाइट वाला ले लेते हैं, सॉरी इसको हम कर लेते हैं पहले नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं हमने ये नॉर्मल कर लिया है, इसके ऊपर हमारा वो वाटरमार्क शो हो, सॉरी बैकग्राउंड वाइट शो हो रहा है। आपको वीडियो के आखिर तक क्लिक कर दिखा देता हूँ जैसा कि ये शो हो रहा है। तो आपने इसको कैसे रिमूव करना है, अगर आप वहाँ से रिमूव नहीं करना चाहते सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है या ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से स्क्रीन पे आपने ऐसे क्लिक करके चेक कर लेना है, जहाँ से आपको क्लियर नज़र आए, जैसा कि आपकी वीडियो के मुताबिक नज़र आए आपने उसको क्लिक कर लेना है। तो कोई कोई ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उसके अंदर एडजस्ट हो गया है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा कि ये शो हो रहा है। इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको आप अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप वो भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं ये इस तरह से है। उसके बाद हम जहाँ से पी आई पी के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो के ऑप्शन पर आके, जहाँ से कोई भी ब्लैक स्क्रीन अगर आपके पास वीडियो पड़ी हुई है आप उसको यूज़ कर कर ईजिली अपने ये लिरिक्स बना सकते हैं। तो आप वो इस तरह से लिरिक्स बना सकते हैं। तो जैसा कि एक मेरे पास ये वीडियो पड़ी है, तो ये इस तरह से ये थोड़ी सी बड़ी है, इसके अंदर एडजस्ट नहीं होने वाले। तो सिंपल हम जहाँ से फिर आपने पी आई पी के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से लाइटिंग कर ले, जहाँ इससे मल्टी कर ले, मल्टी सॉरी आपने डार्क कर लेना है। जहाँ से आपने चेक कर लेना है जहाँ से आपके लिरिक्स क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं, सिंपल आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। जैसा कि आप ये इस तरह से आप इसके अंदर ये इस तरह से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं कमाल की आपकी वीडियो बन जाएगी। तो सिंपल आप इस तरह से अपने ब्लैक लेवल पीएनजी भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने लिरिक्स भी लिख सकते हैं। लिरिक्स लिखने की वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा मौजूद है, आप कोई भी किसी भी तरह का लिरिक्स बना सकते हैं, अपनी वीडियो को ऊपर लगा सकते हैं, तो आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट वगैरह भी मैंने वहाँ दिए हुए हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो सिंपल आप वहाँ से आके फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले हमारे टेक्निकल बिलाल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती रहे।